जी नाजीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद एडवोकेट हाईकोर्ट नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं हाजिर करती हूँ। आज हम बात करेंगे वो है हकूक यानी इंसानी हकूक, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने बुलाया है अभी सलूम रॉबिन एडवोकेट साहब को। तो आए नाजरीन इनसे बात करते हैं। जी अभी सलूम साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू सो मच, मैं बिलखसूस आपका और नेशनल न्यूज़ का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि ये हर दफ़ा जो है वो बाकायदा मौका देते हैं कि यहाँ पे आके और जो हमारी कानूनी चारा जोई है या कानूनी हमारी फील्ड है, लॉ की जो फील्ड है, उसके हम सब अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और देखने वाले तमाम नाजरीन को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बड़ा गौर से सुनते हैं, देखते हैं और हम जैसों को बर्दाश्त करते हैं। तो बात हो रही है, जैसे मैंने टॉपिक के शुरू में बोला कि आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पे यानी इंसानी हकूक के बारे में, तो सबसे पहले बताएं कि इंसानी हकूक होते क्या। जी ये तो सबसे बड़ा एक हॉट स्ट्रीमिंग इशू है और एक टर्म भी है ह्यूमन राइट्स के बारे में कि जैसे पाकिस्तान में आजकल ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक हॉट स्ट्रीम इशू चल रहा है कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स रिफ्रेंज भी हो रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो इससे कासर भी हैं, और ख़ास तौर पे इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये इस चीज़ के लिए हमारा राइट है या इस काम का हमारा ये हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है। वो उसकी एक डिटेल जो है वो हमारा जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके तमाम आर्टिकल्स हमें जो हैं वो अलाउ करते हैं, जो हमें तमाम चीज़ों का राइट है कि ये इस काम का, इस मकसद का ये हमारा राइट है। तो उसके लिए एक प्रॉपर तफसील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो दी गई है। अगर हम उसको पढ़ें और उसका मुतालिया करें, उसकी डिटेल में जाएं, तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें से ही हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये तो हमारा एक नेचुरल राइट है जो हमें आईन भी प्रोवाइड कर रहा है, और उससे बढ़ के मैं ये समझता हूँ कि हमारा मज़हब भी हमें अलाउ करता है कि ये हमारी ज़िंदगी का नेचुरल राइट है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आईने पाकिस्तान में कौन से बुनियादी इंसानी हकूक का एलैबोरेट किया गया है जो कि एक इंसान या आम इंसान को डेली लाइफ में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, उसका वास्ता या बिला वास्ता उसका कनेक्शन है। यस, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो इस तरह के 30 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रिवेल करते हैं, जो हमें नेचुरल राइट टू लाइफ की तरफ जो है वो लेके चलते हैं। अब उसमें फर्दर मैं थोड़ा सा उसको अगर बयान करने की कोशिश करूँ तो आर्टिकल 1 है, उसमें अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेट्स टेक अ स्टार्ट, तो उसमें राइट टू इक्वालिटी है। उसमें एवरीवन, आप उसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करें कि उसमें एवरीवन हैज़ द सेम रिस्पेक्ट, एवरीवन शुड हैव द सेम रिस्पेक्ट, एवरीवन शुड हैव द सेम राइट्स। अब ख्वाह वो राइट किसी किस्म का भी हो सकता है, वो राइट टू लाइफ है, वो राइट टू स्पीच है, वो राइट टू फ्रीडम है, वो किसी राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के राइट्स की जो है वो तफसील, लेकिन मुख्तसरन ये कि 30 किस्म के आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स प्रिवेल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो नेचुरल राइट टू लाइफ की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या कुछ ऐसे हकूक दिए गए हैं आईने पाकिस्तान में जो कि माइनॉरिटीज़ को भी तहफ़ फराहम करें। जी बिल्कुल, उसमें जैसा कि माइनॉरिटीज़ आर टोटली द इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, सो उनका तो ज़्यादा राइट है। मैं समझता हूँ बीइंग अ माइनॉरिटी, बीइंग एन क्रिश्चियन एडवोकेट, मैं इस चीज़ को हाईलाइट भी करना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी तमाम सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, तो उनका तो ज़्यादा जो है वो राइट आइन जो तहफ़ है, दिस वुड द करेक्ट वर्ड, जो तहफ़ है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है आइन के मुताबिक। उनको ज़्यादा सेल्फ सिक्योरिटी है, ज़्यादा जो है वो पीसफुल सर्वाइवल का जो है वो हक हासिल है। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आईने पाकिस्तान इस तरह का तहफ़ फराहम करता है कि अगर हम किसी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी बिल्कुल, राइट टू, जी जी जी, वो बिल्कुल राइट टू असेंबल है, आर्टिकल 20 है, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन।
हम इसके तहत अपनी इबादत गाहों में, अपने जलसों में, अपने लाइक जितने भी हमारे सियासी या यू कैन से रिलीजियस हमारे जो गैदरिंग्स हैं, हम असेंबल कर सकते हैं, बिल्कुल इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे, रिलीजन की बात कर रहे थे, क्या आईने पाकिस्तान ये तहफ़ फराहम करता है कि कोई भी शहरी अपने मज़हब के मुताबिक या मज़हब अडॉप्ट कर सकता है या उसकी प्रैक्टिस कर सकता है? जी बिल्कुल, वो अपना आज़ाद मर्जी, उसको हक हासिल है, राइट टू फ्रीडम है, उसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब का इनकार कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, और उसको बिल्कुल जो उसको समझ आता है, जो वो डिक्लेयर करता है कि हाँ मैं इसका, इस मज़हब का फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कुछ भी, उसका मैं फॉलोअर हूँ, और उसको वो अडॉप्ट करके उसको फॉलो कर सकता है। जी, अच्छा आप बात कर रहे थे एजुकेशन के राइट की या तालीम के हक़ की। जी जी, तो आईन के मुताबिक क्या हर शहरी को हक हासिल है कि तालीम हासिल करे? जी, मैं इसको थोड़ा सा अगर मजीद एलैबोरेट करूं तो हम देखें, अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 25A देखते हैं तो वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और इसमें जितने भी सिटीजन्स पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, हर आम शहरी का हक है कि वो एजुकेशन जो है वो हासिल करे, उसको एजुकेशन हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखा जाए, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रैक्टिकली जो फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत से इस तरह के ट्राइब्स आज भी पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि हमारी जो घर की लड़कियाँ हैं, जो औरतें हैं, वो उनको राइट टू एजुकेशन नहीं है, उनको पढ़ने की ज़रूरत, तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईने पाकिस्तान जो है वो तहफ़ फराहम करता है आर्टिकल 25A के तहत कि हर इंसान, हर शहरी सिटीज़न पाकिस्तान का, वो उसको राइट टू एजुकेशन हासिल है, उसका ये राइट है कि वो एजुकेशन ले और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस सेक्टर की एजुकेशन, जिस तरह की वो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, उस तालीम को वो फॉलो करे। जी बिल्कुल, इनके मुताबिक जो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आर्टिकल 25A जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन यानी लाजमी और मुफ्त तालीम की बात करता है, तो हर शहरी का हक है कि वो तालीम हासिल करे ताकि बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो जी अभी सलूम साहब, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और कुछ मालूमात जो हैं वो नाज़रीन के साथ शेयर की। जी थैंक यू। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो कि इंसानी हकूक़ के बारे में आगाही पे था, वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा आपकी ज़िंदगी में। और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, एक नए गेस्ट के साथ और एक लॉ के ऊपर नई डिस्कशन के साथ।